हिट एंड रन केस का जो नया कानून सामने आया, आपने देखा किस तरह का बवाल जो है उस पे हुआ। लेकिन अब आपके जमीन, आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा फैसला सुना दिया है कि उस कंपनसेशन को और बढ़ा दिया जाए, जिस चीज के लिए लोगों का रोना था कि ये इतने लाख क्यों ज्यादा रखा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एंट्री लेकर के ये कह दिया है कि इस कंपनसेशन को जो है वो और बढ़ा देना चाहिए। ऐसे में उन तमाम ड्राइवर हजरात जो डंपर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, या ट्रैक्टर चलाते हैं, या कोई और गाड़ी चलाते हैं, या टैंकर चलाते हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी अब शायद फिर से बन सकती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस कंपनसेशन को और बढ़ा दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन जो है वो मरकजी सरकार को दी है, यानी अब मरकजी सरकार को ये फिर से कहा है कि आप इस पर फिर से बहस करिए, आप इस पर फिर से देखिए, और 8 हफ्तों का टाइम इसमें दिया गया है। टोटल 8 हफ्तों के अंदर आप सब लोगों ने, मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताना है कि हमने कितना कंपनसेशन जो है वो और बढ़ा करके आप लोगों को देना होगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तब यह फैसला सुनाया जब वो एक केस की सुनवाई कर रहे थे, और कई सारी चीज़ों को खंगालने के बाद जब बातें सामने आई कि क्या जिस तरह से पिछले दिनों कानून भी लाया गया था और ये हादसाती अमवात हो रही, इसका सबसे ज़्यादा होने की वजहें क्या है, कई सारी चीज़ें सामने आई। और उसके बाद ये देखा गया कि इस कंपनसेशन को, आज से पहले जो कंपनसेशन आपको मिलता था जब किसी की मौत एक्सीडेंट में हो जाती थी, उसे 2 लाख रुपये मिल जाता था, और उसके बाद 50,000 रुपये जो मिलता था, कोई जिसकी इंजरी आती थी, कोई जख्मी हो जाता था, 50,000 रुपये उसको मिल जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, उन लोगों को और होना चाहिए, क्योंकि रोड सेफ्टी के जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं, इसके ऊपर जो मीटिंग होती है, किस तरह से बेहतर बनाया जा सके, हादसात को किस तरह रोका जाए, उन पर कंट्रोल किस तरह का किया जाए, उसके ऊपर आए रोज़ हर दिन जो है कोई न कोई नई मीटिंग, कोई न कोई नई चीज़ जो है वो सामने आती है। इसके पेश नज़र मैं आपको बता दूं, जब पिछले दिनों ये कानून को पास कर दिया गया कि उन ड्राइवर हजरात जो हिट एंड रन केस में कोई भाग जाता है, किसी को टक्कर मार के या गाड़ी के नीचे कुचल कर अगर भाग जाता है, उसे 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल जो हो सकती है, आपने देखा कि इस पर कितना बड़ा बवाल पूरे मुल्क भर में हुआ, पथराव हुए, और जितना और कई सारे पेट्रोल पंप जो हैं वो ड्राई हो गए। आपने देखा कि लोग पॉलीथीन में तेल लेकर के जा रहे हैं, कोई लोगों को तो ऐसी वीडियोस वायरल हुई जहां वो केतली लेकर के पेट्रोल पंप के ऊपर पहुंचे और उसमें तेल लेकर के जा रहे हैं। क्या कहीं तेल बंद हो जाएगा और उसके बाद जो है प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम जो है हमारे लिए बन सकती है। ऐसे में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या उनके जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, उनसे जब हमने इस चीज़ को बात की, उन्हें कहा कि फ़िलहाल अब जो है हमने मरकजी सरकार के साथ बात की, MHA की जानिब से एक गाइडलाइन आई, एक लेटर सामने आया जिसमें ये कहा गया कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की फ़िलहाल आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, हम इस कानून को फ़िलहाल इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहे हैं, इस कानून को फ़िलहाल लागू नहीं करने जा रहे हैं, आप सब लोग जो है वो काम पर चले जाइए, आप स्टेयरिंग छोड़ो हड़ताल या बाकी आप खड़े हो गए थे, आपने कहा था कि हम क्यों ऐसा करेंगे, हमारे ऊपर ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए, हम 10 लाख रुपए कहां से लाएंगे, हम 10 साल जेल कैसे जा सकते थे। ऐसे में उन तमाम ड्राइवरों ने काम छोड़ हड़ताल दी थी और 2 दिन के अंदर उन्होंने जब अपना चक्का जाम किया तो सब के सब सिस्टम जो है वो दरहम बरहम नजर आने लगा, क्योंकि जानते हैं अगर पेट्रोल बंद हो जाएगा, डीजल बंद हो जाएगा, सब के सब लोग जो है अपने अपने घरों में ही रह जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट का जरिया ही नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे में फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से एक लेटर जारी हुआ जिसमें जो चेयरमैन हैं इस ट्रांसपोर्ट के, उनके साथ बातचीत की, कहा कि फिलहाल हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब कल की डेट में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो कंपनसेशन मिलता था 2 लाख या 50,000, उसको और बढ़ाना होगा। यानी आप अगर आप किसी को हिट करके भाग जाते हो, चले जाते हो, फिर चूंकि फिर उसके बाद 2 लाख रुपए आपको देना था, लेकिन इसके लिए 8 हफ्तों का टाइम दिया गया कि इसमें कितना आपको बढ़ाना है या कम करना है, ये 2 लाख की जगह 5 लाख जाएगा या 7 लाख जाएगा या 8 लाख जाएगा, उसका अभी सामने खबर नहीं आया है, वो आज जब आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है, और इसके साथ साथ उन तमाम थानेदारों को भी ये कहा है जिस ज्यूरिडिक्शन में, जिस जगह पर एक्सीडेंट हो जाए,
और उस इलाके का जो थानेदार होगा, जो SHO होगा, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है वो इस केस को बखूबी खुद मॉनिटर करे और उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर पेश करे, और कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद आप सब लोगों तक ये अवेयरनेस भी दे दे कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप इस तरह का कुछ करके चले जाते हैं आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा, आप जख्मी हुए हो या आपकी डेथ हुई है किसी की, तो उसमें क्या कुछ होगा, वो उस थानेदार की जिम्मेदारी है, उस SHO की जिम्मेदारी है आप तक उस बात को पहुंचाना, आप तक उस सरकारी सरकार की तरफ से दी जाने वाली उस मुआवजे के बारे में आप तक सही जानकारी पहुंचाना। लेकिन इससे पहले जब एक रिपोर्ट जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर्स हैं उनने जब ऐवान में एक रिपोर्ट पेश की और उसमें देखा गया कि साल 2017 या 16 की बात करें तब 55,000 के ऐसे हिट एंड रन के केस उन्होंने लाए, फिर अगर उसके बाद हम करें 2018-19 की या 20 तक की बात करें फिर से 60,000 से 70,000 तक के केस जो सामने लाए, और अभी अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें इसमें भी कई हज़ार का आंकड़ा जो है वो सामने आया और इसमें भी हिट एंड रन के केस जो है वो सारे सामने आए और जिसमें कई सारी 600 प्लस की जो डेथ भी जो है वो रिकॉर्ड की गई है जो सिर्फ हिट एंड रन में पाई जाती है। और ऐसे में कहा गया कि इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीजों पे काबू पाने के लिए ऐसे इकदाम का लाना बहुत जरूरी है जिससे लोगों को यह लगे कि हाँ मुझे कोई पूछने वाला है, मेरे ऊपर कोई तहकीकात करने वाला है। आप यूं ही किसी को मारकर भाग जाएंगे तो आपकी खैर नहीं होगी। आपने देखा पिछले आठ दस दिनों से धुंध का जो कहर इस वक्त है, कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, बार बार ये कहा गया, मीडिया के जरिए हमने आप तक बात पहुंचाएगी, ट्रैफिक पुलिस के जरिए अनाउंस किया गया कि आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए, आप फॉग लाइट का इस्तेमाल करिए, आप ज़्यादा तेज़ नहीं चलिए, लेकिन फिर भी लोग जो है वो तेज़ चले, फिर भी लोगों ने वायलेशन करी और उसका नतीजा क्या हुआ, हादसे हुए, मौतें हुई, जख्मी हुए और उसके साथ साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। ऐसे में आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप खुद भी अपने बच्चों को भी जब आप ड्राइव करते हो उन्हें कम से कम ड्राइविंग के जो उसूल है, जो कवानीन है, उनको ज़रूर उन पर अमल पैरा होइए, उनके खिलाफ कभी मत जाइए, क्योंकि आपका ये कानून तोड़ना कहीं ना कहीं आपको जो है वो भारी भी पड़ सकता है। ऐसे में जब हमने पिछले दिनों भी आप तक खबर पहुंचाई थी, चूँकि पूरा मुल्क जो था वो उस समय इस रंज में पड़ गया था, गम में पड़ गया था, अब क्या होगा क्या नहीं होगा हिट एंड रन केस का, ड्राइवरों का ये कहना था कि हम ज़बरदस्ती तो एक्सीडेंट नहीं करेंगे, हमें कोई शौक थोड़ी है किसी को मार देने का, हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देंगे। भैया गलती हो जाती है, उस गलती के ज़रिए अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में सरकार हम पर क्यों जुल्म करेगी। लेकिन ऐसे में हम आपको बता दें कि बहुत से ऐसे ड्राइवर हजरात हैं जो ड्राइविंग बहुत अच्छी तो करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो या तो शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, कुछ ऐसा नशा करके गाड़ी चलाते हैं जिसके वजह से हादसा होता है। जब तक ना आप गलती करोगे हादसा तब तक नहीं होगा, और जब आप इस किस्म की गलती करोगे आपको कोई माफ करने वाला नहीं है, आपको कोई बख्शने वाला नहीं है। ये एक अहम रिपोर्ट थी जो हमने आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझा कि इस नए लॉ को लाने के लिए इस कंपनसेशन को कितना बढ़ाया जाएगा, अगर आप किसी को मार के चले जाते हो, हिट करके भाग जाते हो, कितना आपको देना पड़ेगा। पहले अगर आप 2 लाख का इसमें रखा था सरकार ने, नया कितना रखने जा रही है उसका भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है, आप 8 हफ्तों के अंदर तय करिए, कमेटी बनाइए, बहस करिए और उसके बाद हम तक लाइए, इसको कितना क्या कुछ करना होगा उसके बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। और जो पुराना कानून था जो पिछले दिनों जिस पर बवाल हुआ था उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से एक चिट्ठी सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था फिलहाल हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात करेंगे, जब उनकी रजामंदी होगी उनका क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा उसके बाद हम उस कानून को जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे, और तब तक फिलहाल आप सभी लोग जो है आप स्टेयरिंग छोड़ो हड़ताल या बाकी काम छोड़ो हड़ताल को रहने दीजिए, आप अपना अपना काम करिए। मजीद क्या कुछ तफसीलात रहेंगी, क्या कुछ नया ऑर्डर जारी होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।